guys. My name is Parvinder Singh. So, first of all, this is not a motivational talk. I motivate nahi kar sakta kisi ko. I'm a stand-up comedian, and one thing about me, jo shayad bahut close logon ko hi pata hai, that I never wanted to be a stand-up comedian. Yeah? I never wanted to be. I remember, जब ये सारी स्टोरी कहानी या स्यापा सारा जैसे हम कहते हैं शुरू हुआ, ये हुआ 2006 में, जब यूथ फेस्टिवल के ऑडिशंस हुए थे. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर मेरा. मैं यूथ फेस्टिवल के ऑडिशंस देने गया हूँ एज एन एक्टर, कि मैं वन एक्ट प्ले करना चाहता हूँ, मुझे प्ले के लिए ये कर दो. मेरे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, कहता यार तेरे ऑडिशंस मुझे बड़े अच्छे लगे. मैं थैंक यू सर, कहता पर तू एक्टर नहीं कॉमिक बन. मैं कहा मैं रो के गया हूँ स्टेज पे, आपने मुझे माँ वाला सीन दिया था आपको उसमें क्या फनी लगा है? नहीं, कहता मुझे लग रहा है तू ना कॉमेडी कर सकता है, तू कॉमेडी कर. मैं कहा और वो करते कैसे? कहते चढ़ जा स्टेज पे. मैं कहा ओके. कहते जोक्स. मैंने एक्चुअली, मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ा था, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, जोक सुनाऊंगा और लोग हंसेंगे. 2000 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे. हिस्ट्रियोनिक्स करके, कैसे हिस्ट्रियोनिक्स करके एक आर्ट फॉर्म होती है, एक कॉम्पिटिशन होता था मेरे कॉलेज में, दैट विच वॉज मोर और लेस लाइक मोनो एक्टिंग. यू हैव टू स्टैंड ऑन स्टेज, क्रैक जोक्स एंड इनैक्ट अ कपल ऑफ पर्सनैलिटीज और एक स्टोरी टाइप 5 मिनट की. और जब मैं स्टेज पे आया था ना, मतलब लिटरली इन अ वेरी लिटरल वे मौत फैली हुई थी पूरे उसमें. पूरे ऑडिटोरियम में ऐसे देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले भी अब कॉमेडियाँ करेंगे. इंजीनियर जोक सुनाए, अच्छा लॉ डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट वाले, इधर पंजाबी डिपार्टमेंट, वो सब जज कर रहे हैं बैठ के नीचे. मैं कुछ नहीं देखा, स्टेज पे गया मैं अपना. मैंने मतलब वही एक मुझे बात याद थी कि जब स्टेज पे जाते हो ना, डरे हुए होते हो, नर्वस होते हो, भूल जाओ सामने ऑडियंस है. वही किया, मैं भूल गया. मैंने अपनी वो ख़त्म करी, मैं सुन नहीं होगा, मेरा दिमाग, माई माइंड एक्चुअली वेंट नंब. The first time it was for me on the stage for 5 minutes in front of such a big audience. मैं गया 5 मिनट, 4 मिनट 43 सेकेंड्स मैंने लिए होंगे. जब मैंने ख़त्म किया तो वापस जब मुझे आया सेंसेज, मैंने पूरा ख़त्म किया अपना एक्ट, वापस सेंसेज आए तो इतना पता था कि पूरा हॉल उस टाइम तालियां बजा रहा था. एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. सो वहाँ से एक चीज़ शुरू समझ में आई कि हाँ यार, एक्टिंग वाला वॉज अ गुड थिंग कि मैं करना चाहता था, बट दिस इज़ इवन बेटर. कुछ नहीं करना, अकेले जाओ, प्रिपेयर करो आधा घंटा, 5 मिनट स्टेज पे चढ़ जाओ, बोल दो, अवार्ड लो, घर चले जाओ, चिल लाइफ. प्ले में सेट लगाओ, एक्टिंग करो, ये करो, कोऑर्डिनेशन करो, डायलॉग याद करो, डायरेक्टर से गालियाँ खाओ, ये तो इवन बेटर. 5 मिनट डन, फर्स्ट प्राइज. बट ऑब्वियसली आगे बढ़ना था. 2008 आई रिमेंबर आई गेव ऑडिशन फॉर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 4 एंड आई गॉट सिलेक्टेड. मुझे उनका फ़ोन आया, कहते हाँ जी. और वो भी बहुत ड्रामेटिक हुआ था, दैट उन्होंने मुझे स्टेज पे जब मैं ऑडिशन दे रहा था, उन्होंने बोला यार बस कर दे, तेरा एक्ट सुन लिया हमने, अच्छा लगा, तेरे को हम कॉल करेंगे, वील गेट बैक टू यू. आप लोग इंजीनियर्स हो, आप लोगों को बहुत सुनने को मिलेगा वील गेट बैक टू यू. तो मुझे भी वही था, मैं इंजीनियर, आदत थी मुझे वील गेट बैक टू यू. मैं कहा ये नहीं आता कॉल, हो गया रिजेक्ट. बच्चे मैंने घर पे फोन वन कर दिया, घर वालों ने आगे से बोल भी दिया नहर में मत कूदना बेटा. कुछ नहीं होता, लाइफ इज नॉट एंडेड. मैं आ गया घर, डिसअपॉइंटेड था, 2-3 हफ्ते डिसअपॉइंटेड रहा. फिर एक दिन बॉम्बे के नंबर से कॉल आई, कहते हैं हम एंडमॉल से बोल रहे हैं और आप सिलेक्ट हो गए हो और आप बॉम्बे आ रहे हो. मैं अब नाम पढ़ लो सही से. मुझे तो वील गेट बैक टू यू बोल के गए थे आप. पर उस टाइम मेरे हाथ में एक जॉब ऑफर थी, प्लेसमेंट ऑफर, एंड मेरा फाइनल ईयर था जब मैं सिलेक्ट हुआ था. तो मैं वही इन्फॉर्मेशन लेके अपने घर वालों के पास गया. मैं कहा वो ना बॉम्बे जाना है. हाँ, कहते ठीक है, कितने दिनों के लिए? मैं कहा पता नहीं, 6-8 महीने कह रहे हैं. हाँ, मेरे डैड ने वो वाली लुक दी कि अब तो पिटेगा, मुर्गा बन जा, खुद ही बन जा, या खुद के मुँह पर खुद ही थप्पड़ मार ले जैसी तूने बात करी है. एंड आई somehow saw the logic in their point कि यार तो अभी बॉम्बे चला जा, हमारी वाला से चला जा, कोई चक्कर नहीं, तेरी डिग्री वेस्ट होगी जिस पे तूने इतने साल से, वो 3-4 साल से तू कर रहा है, तेरी डिग्री वेस्ट, पैसे वेस्ट, तेरे हाथ में एक नौकरी है. अगर कॉमेडी चला गुड इनफ, वेल सही है, बट अगर नहीं चला तो क्या?
तो वापस यहीं से शुरू करना पड़ेगा, वो सोच ले. एंड मैं डर गया था उस टाइम, ऑनेस्टली. मुझे उनकी बात में लॉजिक भी समझ में आ गया. मैं, चल ठीक है यार, अच्छा बोल रहे हैं, घर वाले हमेशा गलत नहीं होते. मैंने उनकी बात मान ली, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने कॉमेडी वाला पूरा छोड़ दिया. मुझे था लाफ्टर चैलेंज नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, उस टाइम मैं जॉब कर रहा होऊंगा, तब मुझे कैसे मना करेंगे. मेरी नौकरी भी पूना में ही थी, मैं पूना से बॉम्बे पास ही या चला जाऊंगा ऑडिशन देने. वो साल है और आई गेस 2009, 10, 11 तीन साल मैं वेट करता रहा कि लाफ्टर चैलेंज आएगा, लाफ्टर चैलेंज आएगा. वो आया ही नहीं, सीजन 5 बना ही नहीं. मेरी नौकरी, मतलब अपनी नौकरी में मन लगना शुरू हो गया. ऑब्वियस, मतलब अब तुम करते रहोगे किसी चीज़ को अच्छे से तो मन लग जाता है, और पैसे कमाने शुरू हो गए. तो वैल्यू समझ में आनी शुरू हो गई यार, कि क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब देखना है. मतलब अब फिर वो हो गया कि चलो दुनिया घूमते हैं. सो आई मूव टू सेल्स. मैंने हर साल, मैं आई वाज द टॉप परफॉर्मर, और मूव करते 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 5 साल में सेल्स का वो टॉप वाला वो बन गया था मैं. एंड आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री. 2017 में मुझे कॉल आती है. आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. तब तक मैं कॉमेडी शुरू कर चुका था, थोड़े बहुत ओपन माइक्स करने शुरू कर दिए थे, थोड़ा एक आधा टीवी पे शो कर लिया था, तो वो सब पूरा हो गया था मेरे. बट 2017 में मुझे कॉल आई कि लाफ्टर चैलेंज वापस आ रहा है, एंड यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट दैट वी हैव कॉन्टैक्टेड. क्योंकि आपका हमने शो देखा था एंड आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, एंड दिल्ली से ना पंजाब से आपको फर्स्ट कॉल आई है एंड आप बॉम्बे आ रहे हो. मैं कहा बिना ऑडिशन के कैसे आ रहा हूँ बॉम्बे. कहते नहीं नहीं आप ऑडिशंस दोगे, सब कुछ होगा, बट यू आर कमिंग टू बॉम्बे, दैट्स फॉर श्योर. आपको हमें कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हो, साइन करके भेज दो. मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था, मैं ये क्या है ये. मैं नंबर भी वेरीफाई करा के, मोबाइल नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं ये, अभी ये पैसे मांगेंगे देखना. अकाउंट डिटेल्स भेजो हमें. बट वो जेन्युइन कॉल था, जेन्युइन ऑडिशंस हुए, मैं ऑडिशंस में अपीयर हुआ, बॉम्बे गए. उस टाइम जब बॉम्बे जाने से पहले एक कॉल आई, कॉल लेनी थी दोबारा 10 साल बाद. एक कॉल ली थी मैंने 2007 में, एक कॉल लेनी थी 2017 में, कि अब नौकरी छोड़ के ये वाला रिस्क दोबारा लेना है. उस टाइम मुझे एवरीथिंग सीम्ड कनेक्टेड, कि नहीं यार ये सब आपस में कनेक्टेड है. 2007 में जो मैं एक डिसीजन लेने से डर रहा था, घर वालों ये वो चीज़ें थी, फैक्टर्स थे, अभी वो सब नहीं है. अभी रिस्क इज़ माइन, अभी मैं घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपने पैसे कमाता हूँ. अगर मैं एक साल के लिए ब्रेक भी लेता हूँ तो भी देर इज़ नो हार्म. बट मोर देन दैट रिस्क आई वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट, कि हाँ यार एक बारी करके देखते हैं, फेल ही हो जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा. और उस टाइम मैं एक कोट का ना बहुत फर्म बिलीवर हूँ. थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बारी बोला था दैट देर इज़ अ ग्रेट वैल्यू इन डिज़ास्टर बिकॉज यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. तो उस टाइम ये चल रहा था दिमाग में कि अगर फेल हो भी गए दोबारा शुरू कर लेंगे यार, 7 साल में इतना वो कर लिया, कॉन्फिडेंस कमा लिया है ना, कि चक्कर ही कोई नहीं, दोबारा शुरू करना भी पड़ गया ना तो इसी जगह से दोबारा शुरू कर लेंगे, सोच लेंगे, एक साल था ही नहीं. वो रिस्क लिया, लाफ्टर चैलेंज में गया एंड फाइनल तक. फाइनल जब मुझे फर्स्ट एपिसोड परफॉर्म करी थी तो रिजल्ट आए थे, तब मुझे हमारे डायरेक्टर ने एक बात पूछी थी, कहते क्या करना है, कहते तू शो जीतेगा. मैं कहा सर शो नहीं जीतना, मुझे फाइनल खेलना है. मैं अगर मैं आया हूँ तो मैं फाइनल लड़ के जाऊँगा. और मैंने तभी बोला था, मैं कहा मैं जीतूँ ना जीतूँ फाइनल मुझे लड़ना है. और फाइनल लड़ा, नहीं जीता. हाँ नहीं कोई नहीं, हंस लो. बाबा जी देख रहे, माता रानी पाप लगाएगी सबको. नहीं नहीं सर, तब भी यही होते. तो फाइनल हुआ, सब हुआ. जब हम शो से बाहर आए तो वो नहीं होता कि घर आ गए अब तो बस काम लाओ, तो दरवाजे पे बैठ के देखता रहता था काम आ रहा है. डाकिया डाक लाया वाली फीलिंग. बट एक दो महीने ना वो ज़्यादा कन्वर्जन हुई नहीं. तब हमें थोड़ी रियलाइजेशन होनी शुरू हुई दैट लाफ्टर चैलेंज का सीजन 5 वॉज नॉट अ सुपर हिट. इट वॉज अ माइल्ड हिट, बट इतना ज़्यादा हिट हुआ नहीं एंड हमारे पास ज़्यादा वो कन्वर्जन आई नहीं. एंड 2-3 महीने वही वेट करते रहे कि कुछ काम आएगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसे पापराजी टाइप फीलिंग होएगी अपने शहर के स्टार. नहीं कुछ नहीं हुआ यार, नॉर्मल जिंदगी. अगर यार 2008 में ये हो जाता तो क्या करते, नस काटनी पड़ जाती. अब तो फिर दो चीज़ें सोच सकते हैं कि हाँ यार नौकरी कर लेंगे, एक कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. बट देन
सब उस टाइम पे ना एक ट्रेंड जो चल रहा था यूट्यूब पे वीडियोस डालने का, तो मेरे दिमाग में भी वही सबके आता है कि हाँ यार अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं, अपना चैनल बनाते हैं। 0 सब्सक्राइबर्स, वीडियो डाली, पहले दिन वो वीडियो के आई गेस 30-40 हज़ार व्यूज़ आए थे। मैं घबरा गया था, मैं कहा यार ये क्या है, मतलब ये भी नहीं आया, ये भी नहीं चला। रात को सो गए हम, 12:30-1 बजे सो गए। सुबह मैं उठा हूँ, उस वीडियो पे 1.25 मिलियन व्यूज़। वो हुआ इसीलिए था बिकॉज NRI ऑडियंस जागी थी। मुझे तब पता चला मैं इस देश के लिए बना ही नहीं। NRIs की मुझे बहुत मैसेज आए, कनाडा US से मुझे इतने मैसेजेस आए कि यार ये हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमें बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ आओ परफॉर्म करने। 3-4 दिन बाद मुझे कॉलेजेस के इनविटेशन आए, 1-2 कॉलेजेस के, कि आप हमारे बच्चों को आके मोटिवेट करो। मैं 4 दिन पहले मैं मोटिवेटेड नहीं था, आज मुझे बुला रहे बच्चे मोटिवेट करने के लिए। एक आधे को तो मैंने लॉल लिख के भेज दिया था। IIT से मैसेज आ रहे, मैम मेरी औकात नहीं थी वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने की, अब तुम कह रहे हो उन IITians को मैं जाके मोटिवेट करूँ, पागल हो गए तुम लोग, दिस कैन नॉट बी रियल। बट मैंने वो उस टाइम पे इग्नोर, मैं नहीं यार ये नहीं करना, ये अभी मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं टॉक नहीं दे सकता कहीं पे जाके भी। मैंने काम करना शुरू किया, काम होना शुरू हुआ, तब दिमाग में एक चीज़ आनी शुरू हुई कि कॉन्टेंट एंड ह्यूमर इज़ एवरीवेयर। कि जो इतने सालों से मैं सोच रहा था कि जोक्स 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 इज़ ह्यूमर, वो है ही नहीं, ह्यूमर सब जगह है। जब काम किया, कॉलेजेस में गए, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में गए जहाँ सोच भी नहीं सकते थे कभी एडमिशन होगी, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो नौकरी में रह के तो कभी नहीं मिल सकते थे, तब एक चीज़ समझ में आई दैट ह्यूमर इज़ एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जब मैं 2008 में अगर मैं लाफ्टर चैलेंज में जाता सीज़न 4 में, तो शायद मेरे पास थोड़ा बहुत चीज़ें होती बताने के लिए, क्योंकि मैं तब तक सिर्फ एक शहर देखा था, एक कॉलेज देखा था, आसपास के 2-3 शहर देखे थे। 2017 में मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं दुनिया घूमी हुई है, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरे पास दुनिया का एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, दुनिया जहान की स्टोरीज हैं बताने के लिए, एंड इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास स्टेज पर खड़े होकर बोलने का दैट नाउ आई एम नॉट स्कैर्ड। तब एक वो जो होता है ना कि काम तो चल ही रहा है, व्हेन यू गेट बिजी विद योर वर्क तो यू डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, बिकॉज तुम काम में इतना बिजी हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ यार जो अचीव करना था कर लिया। जिस फील्ड में हमने स्टेप इन किया वो ऐसी थी नहीं, उसमें हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। एक शो आज अच्छा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट शो भी अच्छा हो। एक दिन स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, अगले दिन मौत फैली हुई है, कोई नहीं सुन रहा जोक्स। शादियों में परफॉर्म करा, एक बार शादी में परफॉर्म करा, किसी ने कहा था कि अगर औकात जाननी हो ना अपनी तो किसी की शादी में परफॉर्म करना, मैंने किसी की शादी के संगीत में परफॉर्म करा। अगर तो वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा सिंगर भी होता ना, वो भी मतलब वैसे ही फील कर रहा था जैसा मैं कर रहा था, यार यहाँ कोई सुन क्यों नहीं रहा, वो मैं आई वॉज प्लीड, कोई नहीं बात सुन। कोई नहीं सुन रहा था, तब मैं बहुत डीमोटिवेटेड हुआ कि यार मतलब सब लोगों ने, ऐसा नहीं कि लोग मिले नहीं, मिले लोग शो के बाद भी, सुना किसी ने नहीं, 2-4 लोगों ने मुझे कहा अरे आपके वीडियोस देखे, अरे बड़ा मज़ा आया, अरे मज़ेदार शो में भी मज़ेदार थे, उन्होंने भी नहीं सुना। वो भी अपना ड्रिंक ली बाहर चले गए। हाँ मैं एक बार बोला भी, मैं अंकल आप तो आके मार पे फोटो खिंचवा ली चल। धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आनी शुरू हुई दैट वो जो 7 साल में मैंने काम किया है ना, वो ह्यूमर, उस अगर काम में मैं ह्यूमर थोड़ा बहुत डाल देता तो आई गेस वो काम जो मैं 100 तक लेके गया था वो 200 तक जा सकता था, बिकॉज ह्यूमर इज़ एवरीवेयर। नाउ आई सिट बैक व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप या मैं कुछ किसी चीज़ पर काम कर रहा होता हूँ, ब्रेन स्टॉर्म कर रहा होता हूँ, आई थिंक ह्यूमर इज़ एवरीवेयर। यू आर सराउंडेड विद ह्यूमर, यू आर सराउंडेड विद जोक्स एंड नॉट जस्ट जोक्स, TV advertisements, there are brands जो पहले दिन से आज तक सिर्फ ह्यूमर बेच रहे हैं, फेविकॉल, कोका कोला, हैप्पीडेंट, मेंटोस, पहले दिन से सिर्फ ह्यूमर एड्स बेच रहे हैं। क्यों?
बिकॉज ह्यूमर का जितना इम्पैक्ट होता है ना तुम्हारी पर्सनैलिटी पर, आई जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल. आप लोग सब इंजीनियर्स हो, ठीक है, इसको इमेजिन करो क्योंकि अभी बने नहीं हो. जब बन जाओगे, प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा इसलिए बने थे इंजीनियर. बट इमेजिन, TCS के फाउंडर का नाम पता है, मिस्टर रतन टाटा, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, किसी भी एक आप फाउंडर का नाम पकड़ लो. इमेजिन यू आर इन लिफ्ट विद दैट गाय फॉर 30 seconds. आप क्या बोलोगे? नौकरी मांगोगे पहले तो? पैरों तक नौकरी है प्लीज. मोस्ट पीपल यही करते हैं सर ऐसे माय नेम, अपने इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते. ही इज नॉट इंटरेस्टेड. 30 सेकंड है तुम्हारे पास उस बंदे के दिमाग में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर, जिसने एक पूरा का पूरा एम्पायर बनाया है. 30 सेकंड में ऐसा क्या कर सकते हो कि उस बंदे के दिमाग पे इम्पैक्ट छोड़ दो? ट्राई ह्यूमर नेक्स्ट टाइम. फॉरगेट रतन टाटा. यू मीट योर डीन, यू मीट योर फैकल्टी, एनीबॉडी, क्विक सा जोक. उन पे नहीं, उनकी पर्सनालिटी पे मत मार देना कि सर क्या गंदा पढ़ाते हो सर आप. वहां आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी. हाउ इंटेलिजेंट आर यू दैट यू कैन क्रैक दैट सिचुएशन इन दैट 30 seconds? नेक्स्ट टाइम ट्राई इट विद ह्यूमर, ट्राई अ क्विक जोक, यू विल सी क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है सामने वाले के बंदे के दिमाग में, क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग बट अ लाइट जोक, अ लाइट ह्यूमर. द बिगेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू विद अ स्मॉल टॉक इज ह्यूमर. पीपल स्टार्ट विद अच्छा हाउ इज द वेदर देयर, ओ अच्छा सर वो आप कहाँ से, अरे वो तो बहुत अच्छा पोहा जलेबी मिलता है इंदौर में. डोंट डू दैट, हिस्ट्री हो गया. अब जोक्स मारो, ट्राई करो जोक्स, और गंदे जोक्स मत मारो. अच्छा ह्यूमर यूज करो, इंटेलिजेंट ह्यूमर यूज करो जो सामने वाले को इंटरेस्ट करे. नो योर ऑडियंस एंड देन क्रैक ह्यूमर. यही मुझे समझ में आया है इतनी देर में. नाउ आई कंडक्ट वर्कशॉप्स इन द कंपनीज जो मुझे नौकरी नहीं देती थी. एंड वहां बाहर खड़ा होकर मैं यही बोलता, नाउ आई सी यू मैन. बट वो वर्कशॉप पूरी की पूरी वर्कशॉप इसी पे होती है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ यू कैन एड ह्यूमर टू योर मार्केटिंग, टू योर सेल्स, टू योर HR, बिकॉज यू कैन एड ह्यूमर एनीवेयर इन योर लाइफ. एंड व्हेन यू डू दैट यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द पॉजिटिविटी. ह्यूमरस पीपल जो फनी होते हैं, थोड़े बहुत जो चार्मिंग होते हैं, उनका एक चार्म होता है ह्यूमर कैन गेट यू हायर्ड वेरी क्विकली. इंटरव्यू में अगर आप नर्वस हो, रट्टा मार के गए हो, उसको पता है अगर आप इमीडिएटली जोक क्रैक कर दोगे ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस, दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा. जो लोग हंसते रहते हैं, जो लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, जस्ट इमेजिन उनके आसपास का ऑरा कितना पॉजिटिव होता है. यू वॉन्ट टू टॉक टू देम वर्सेज जो वो अरे नहीं वर्सेज दोज पीपल. सो ह्यूमर इज इम्पॉर्टेंट. ह्यूमर इज नॉट जस्ट जोक्स, ह्यूमर इज योर पर्सनैलिटी. एंड I think everything in life is connected. जो आपका आज का experience है, don't be sad about it. वो कभी ना कभी life में ज़रूर use होगा. And this talk doesn't have an ending because the journey is still on. Thank you so much, guys.